Good manners means the treatment of other people with courtesy and politeness, showing correct public behavior. बच्चों, good manners का मतलब होता है सबके साथ शिष्टाचार से यानी अदब से बात करना. तो बच्चों, हम अपनी courtesy, politeness and respect दिखाने के लिए कुछ words use करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं, जानते हैं उन गोल्डन वर्ड्स के बारे में. प्लीज, व्हेन यू आस्क फॉर अ फेवर यू शुड यूज प्लीज. सपोज यू डोंट हैव अ पेंसिल एंड यू नीड इट, देन व्हाट डू यू डू? यू शुड नॉट ऑर्डर और डिमांड सेइंग हे गिव मी अ पेंसिल. नो, यू कांट डू दैट. यू शुड पोलाइटली रिक्वेस्ट फॉर पेंसिल. प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल. बच्चों, जब हमें किसी से कोई फेवर चाहिए होता है, कोई मदद चाहिए होती है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्लीज़. अगर सपोज़ करो आपके पास कोई पेंसिल नहीं है और आपको पेंसिल चाहिए लिखने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बोलोगे, मुझे पेंसिल दे दो? ऐसे नहीं बोल सकते ना. हमें उससे फेवर चाहिए तो हम बोलेंगे प्लीज़ मुझे पेंसिल दे दो. थैंक यू. Always thank the giver. When somebody help us or gives us something, we say thank you. By saying thank you, we make others aware that we are grateful for their friendliness and kindness. We can say thank you even to those who are younger to us, even to the servants, postmen and any other. बच्चों, जब हमें कोई कुछ देता है तो हम बोलते हैं थैंक यू. या कोई हमारी मदद करता है तब भी हम क्या बोलते हैं? थैंक यू. और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी मदद की या आपने हमें ये गिफ्ट किया. ओके? और हमसे जो छोटे हैं, हमसे जो बड़े हैं, कोई भी हो, हम सबको थैंक यू बोल सकते हैं. हम अपने हेल्पर्स को, पोस्टमैन को, किसी को भी, हम सबको थैंक यू बोल सकते हैं जो भी हमारी मदद करते हैं या हमें कुछ देते हैं. एक्सक्यूज़ मी. वी से एक्सक्यूज़ मी बिफोर वी टॉक टू समवन हु इज़ बिज़ी. आस्क टू बी एक्सक्यूज्ड व्हेन इंटरप्टिंग अदर्स. Imagine your parents are discussing something and you want to tell something very urgent. What will you do? You should say, excuse me please, and whenever their attention is on you, you will say whatever you want to say. And children, we also say excuse me after a sneeze or cough. बच्चों, जब कोई इंसान बिज़ी होता है और हमें उससे बात करनी होती है, तब हम उसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी. सपोज़ आपके पेरेंट्स, मम्मा पापा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उनसे बात करनी है, तो आप बीच में तो बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आपस में बात कर रहे हैं. तो आप उनसे बात कैसे करेंगे? आप पहले बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, और जब उनका अटेंशन आपकी तरफ होगा, तब आप अपनी बात उन्हें कन्वे कर सकते हैं. सॉरी. फील सॉरी फॉर एनी अनइंटेंशनल एरर ऑफ योर्स. यंग और ओल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. इफ योर मिस्टेक्स डू हर्ट अदर्स, गिव वरीज एंड पेन टू अदर्स, वी शुड फील सॉरी. बच्चों, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तब हम क्या बोलते हैं? सॉरी. चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, गलतियां हम सबसे होती हैं. अगर हमारी किसी गलती से दूसरे को हर्ट होता है, चोट पहुंचती है, या कोई नाराज़ होता है, या किसी को दुख होता है, तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए? हमें उसे बोलना चाहिए सॉरी. सॉरी मीन्स कि हमसे गलती हो गई और हम नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसीलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. तो बच्चों, जब भी हमसे कोई गलती होती है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सॉरी.